सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए, ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम सारी सरकार जगाए। संजीव जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा डायस पर बैठे थे संजीव सिंह। ये आम का पेड़ है ना संजीव जी, और क्या क्या है पेड़ है? आम है, कटहल है, इधर ये सागवान है। अच्छा सागवान का पेड़, इन्होंने देखिए कितनी हरियाली, सागवान का भी पेड़ जो कि बहुत ही मजबूत होता है सागवान का, और ये छोटे छोटे फूल पौधे सब्जी उब्जी लगे सब्जी वगैरह है। इसमें पानी कैसे? पानी सप्लाई है यहाँ से। तो यहाँ पर RJS एडमिन, नमस्ते नमस्ते। घर पे तुलसी की पूजा होती है तो बड़े तरीके से, ये देखिए मनी प्लांट है ना, देखिए मनी प्लांट भी यहाँ पर लगा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत मकान है, पीछे भी है और इधर भी सब लगाए हुए हैं। बताइए हम और आम हैं कितने नज़दीक हैं, हैं ये आम जो है कितने नज़दीक हैं हम लोग, हैं बताइए, ये इतना नज़दीक आम, वाह ये देखिए कितने नज़दीक ये सब आम हैं। और ये देखिए ये मीठे आम हैं जी, बहुत मीठे हैं, मीठे आम्रपाली। अच्छा आम्रपाली है, ओ 5 साल में ये वृक्ष फल देने लगा। फिर पपीता देखिए, इधर नारियल, इधर नारियल, नारियल फला हुआ है। संजीव जी ये तो कटहल फटा दिए, कटहल का था उधर, पपीते का है, और ये सहजन है, सहजन का पेड़, सहजन जो है बहुत ही सहजन, उधर वो कड़ी मेहंदी है, मेहंदी और कच्चू है, इसी बार बोल दीजिए संजीव जी इतनी हरियाली जो है आपने लगाया है और इसको मेंटेन भी किया है जी, मेंटेन। तो क्या क्या आप एक साथ बता दीजिए RJS फैमिली को। हमारे बगान में एक आम है, कटहल है, अमरूद है, अमरूद नहीं है, नारियल है, सहजन है, सागवान का पेड़ है, जो गर्मी के दिन में अगर अभी तो छटवा दिए है, नहीं तो पूरे छाया रहता था, गर्मी के दिन में हमें बहुत अच्छा रहता है। हाँ। तो मौसम ठंडा रहता है, घर ठंडा रहता है। हाँ। आम फला है, आम्रपाली आम है, आम्रपाली आम है जी। बाकी तो ये सब तो कच्चू का अरबी का अरबी है, अरबी कच्चू सब्जी बनती है इसकी। चलिए अच्छा घर एक बात और देखिए कि घर के बगल में ये जो जगह है ये हवा और प्रकाश के लिए बहुत ही जरूरी है। ये इस तरह का जो है यहाँ जैसे किचन से आपका कोई चला जाएगा गैस निकल जाएगी और फिर आपको अंधेरा भी नहीं रहेगा कमरे में, तो घर के चारों तरफ अगर इस तरह की इस तरह थोड़ा सा जमीन जो है 4 फीट नींबू फला हुआ है नींबू दिखा दीजिए। आजिए सामने आजिए, खाली है कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। वाह इधर बैंगन भी, ये देखिए बैंगन बैंगन हैं, ये बैंगन आप देख रहे हैं
हैं, इन सबको देखते ही कितनी खुशी होती के लिए। और कोहड़ा है, कोहड़ा सीताफल, सीताफल सीताफल, और ये फूल है, उड़हुल है, उड़हुल का फूल है। तो संजीव जी का घर जो है हरियाली से भरपूर है और यहाँ पर हवा, प्रकाश, शुद्ध वायु है। ये जमशेदपुर शहर से थोड़ी सी दूर इलाका पड़ेगा, 6-7 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर टाटा स्टील प्लांट से, 6-7 किलोमीटर टाटा स्टील प्लांट से। और ये कॉलोनी है, क्या क्या नाम है? बारीडी बस्ती, बारीडी बस्ती इसको कहते हैं। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली यहाँ पर आकर इनके घर को देख रही है। ये भी कुछ फूल है, सदाबहार फूल है। और कितना स्पेस है संजीव कुमार जी के आवास पे, प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण रहित वातावरण है। और इतनी हरियाली, इतने पेड़ पौधे हैं, वृक्षारोपण इन्होंने किया है। और ये काफ़ी पुराना, ये पिताजी का रोपा हुआ, पिताजी लगाए हैं, पिताजी लगाए हैं शीशम का। देखिए पिताजी का लगाया हुआ है, उनकी याद जो है दिला रहा है। क्या है पिताजी का नाम? जगन्नाथ सिंह, स्वर्गीय जगन्नाथ, स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी जी। और माता जी हैं? हाँ माता जी। अच्छा, चलिए माता जी के दर्शन, आरजेएस फैमिली, संजीव सिंह जी आरजेएस एडमिन के माता जी के दर्शन करते हैं। संजीव जी माता जी हैं जी, माँ अभी सोई हुई हैं। और कितनी माता जी की उम्र है? लगभग 77 ईयर की है माता जी, अभी सोई हुई हैं, ये आपको जानकारी देना चाहेंगे। और ये आपका बेटा जो है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ एक भारत श्रेष्ठ भारत ये श्रेष्ठ बेटा है संजीव जी का। और आपकी धर्म पत्नी जो है अभी मेरी थी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए ये मुस्कान बनी रहे आपकी हैं जिंदगी में, हैप्पीनेस जो है वो बहुत जरूरी है। और आपके चेहरे से देखने से ही लग रहा है कि हैप्पीनेस है। और अभी माँ जी का दर्शन किया, अभी सोई हुई है ना, तो जगेंगी तो आप बताइएगा, उनके हम लोग दर्शन करेंगे। जरूर, जरूर। और यहाँ देखिए, ये देख रहा हूँ, मैंने सुना है कि आप सिलाई बुलाई कढ़ाई वगैरह जो है करती है, इतना भाव क्यों हो रही है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो ये जैसे बता रहे थे ये जो डिजाइन है इसको किसने बनाया? माँ ने बनाया। माँ की तस्वीर दिखाइए, माँ ने बनाया है। अभी सोई हुई हैं ये, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी सोई हुई हैं, हम लोग जगाएंगे नहीं। संजीव सिंह जी आरजेएस एडमिन हैं और आप उनकी धर्मपत्नी संगीता सिंह जी हैं। और सुना है कि संगीता जी आप सिलाई बुनाई कढ़ाई में बड़े हैं, है ना? तो कहाँ सिलाई मशीन उशीन कहाँ है, जरा दिखाइए कैसे सिलाई बुनाई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सिलाई बुनाई कढ़ाई आपने सीखा है। कहाँ सीखा? सीखे यहीं पर। अच्छा, यहीं बस्ती में ही सीखे। बस्ती में। अच्छा, ये पीको मशीन है, ये सिलाई। अच्छा, पीको मशीन कहाँ पर है? अच्छा अच्छा, ये पीको मशीन है। अच्छा, ये देखिए, ये अचानक ही रिकॉर्डिंग हो रही है क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य है कि घर घर की जो पॉजिटिविटी है वो घर घर तक पहुंचाया जाए। तो ये पीको मशीन है जी। पीको हो जाता है ना, पीको किस किस चीज में? पीको साड़ी में, अभी आप इंटरलॉक उन सब इसमें होता है। अच्छा, इंटरलॉक भी होता है पीको में। आप भी जाते हैं क्या? नहीं, चलाना नहीं जानते, चलाना नहीं, आप देख देख के सब सीख गए। ये पेंटिंग भी आपकी है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरी ननद की है। ननद जी, दीदी बनाई है, पूरा फैमिली ही हस्तशिल्पी है। तो ये पीको की मशीन आप लोगों ने देख ली है, ये इस तरह की होती है पीको मशीन। और ये सिलाई मशीन है जी। तो क्या क्या चीज आप सिलाई कर लेती हैं? ब्लाउज, साड़ी, सूट, मतलब ब्लाउज सूट। अच्छा अच्छा, तो इसको मैंने यहीं पर आप सीख ली। शादी के बाद? शादी के बाद सीखा। अच्छा, जब बड़े हो गए तो उसके बाद इंटरेस्ट लगा। और एक रिलेशन थे उनके घर में जाती थी तो सिलाई सिखाती भी थी और प्लस अपना करती भी थी। तो जिसे देखे तो क्या क्या चीज सिलाई कर लेती है? ब्लाउज और सूट। ब्लाउज और सूट, और बाकी? बाकी नहीं, जैसे जेंट्स वगैरह का नहीं। नहीं, जैसे फ्रॉक अगर सीखना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलिए तो उसे कुछ आमदनी। हाँ हाँ,
अपना काम निकल जाता है, घर में कुछ योगदान, हाँ योगदान भी होते हैं, अपना इंटरेस्ट है, जो भी सामान अपना खरीद सब ले लेते हैं। नहीं, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई, बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे बीटेक कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। कितने बच्चे हैं? एक है बेटा। अच्छा श्रेष्ठ जी। अच्छा श्रेष्ठ, घर का श्रेष्ठ बालक बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तो माता पिता को बहुत खुशी होगी, मतलब भविष्य सुरक्षित है जी। है माँ की सेवा कैसे करते हैं? माँ की सेवा अपना काम भी कर लेती हूँ, और जब उठती है तो यहीं पे बैठते ही बैठी रहती। अच्छा माँ बैठी रहती है। अच्छा चलने फिरने में कोई दिक्कत? हाँ चलने फिरने में दिक्कत है, चलती हमें दोनों आदमी मिल के सपोर्ट करते ही मम्मी का हम लोग देखते। मम्मी कितने 77 तो 77 साल की माँ जी हो गई हैं। डिमनेशिया भूलने की जो बीमारी होती है उसको डिमनेशिया कहते हैं, तो भूल जाती हैं। तो देखिए ये श्रेष्ठ बालक है, श्रेष्ठ बालक है, ये भी श्रेष्ठ बालक है, और श्रेष्ठ बालक ही आगे के जनरेशन के लिए लाए हैं। श्रेष्ठ बालक उसी को कहते हैं जो सकारात्मक सोच होती है, वो माता पिता के प्रति जो है वो सेवा भाव लेकर आती है, और जो वो उन सेवाओं का जो है वो पुण्य फल जो है वो निश्चित रूप से परमात्मा जो है ना वो सारी चीज़ें देखता है। तो आप लोगों के चेहरे पे इसी तरह की मुस्कान बनी रहे, और जमशेदपुर की आर्य सकारात्मक भारत उदय यात्रा आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है, तो आप खैर माँ की देखभाल के चलते दो आदमी निकलेगा, तो माँ के साथ रहना जरूरी होता है। तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम आपसे ही समीक्षा ले लेते हैं, संजीव सिंह जी आरजे सेड में। कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत ही शानदार रहा, आइए वहाँ बैठ के आराम से जी। संजीव जी वो कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे 28 अप्रैल की, ब्रह्म कुमारी जी के और आरजे के ज्वाइंट। कल मैं पहुंचा था वहाँ, गया था, बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। सबसे पहले तो स्वागत बहुत अच्छा रहा, तिलक लगाया गया, अंग वस्त्र भेंट किया गया, और उसके बाद अच्छा छीटा गया, वो बहुत अच्छा लगा हमें। और उसके बाद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दीदी थी, जो अंजू, क्या नाम, अंजू दीदी ना जी, जी बीके अंजू दीदी, अंजू दीदी, अंजू दीदी ने जो मेडिटेशन के बारे में और आध्यात्मिक बारे में बताया वो बहुत ही जानकारी के लिए बहुत ही अच्छा था। हम उसको चाहते हैं कि हम वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम लोग का यही उद्देश्य था कि ये सभी लोग जाने, और लगभग हम उसमें सफल भी हुए हैं, और अच्छा लगा हमें वहाँ जाके। बस जी, तो संगीता जी नहीं गई थी लेकिन उन्होंने वीडियो देखा है, उसके बारे में कुछ बताएंगी। मेरे हस्बैंड तो गए थे, बताएं कि ऐसा ऐसा है, बहुत अच्छा लगा, शांति लगा, और खाना भी एकदम बिना लहसुन प्याज का एकदम टेस्टी खाना था, बहुत ही अच्छा खाना था। और जो बोली थी कि अपने दम ध्यान में रखेंगे, जिसको भी आप सोचेंगे वो आपके सामने आएंगे, म्यूटेशन जो है बहुत ही इनको बहुत अच्छा लगा, हमको भी आके बताए, हमको भी बहुत खुशी हुआ, काश हम भी जाते उस समय। चलिए फिर वीडियो के माध्यम से और क्या क्या देखा? वीडियो के माध्यम से आप और देखे कि मांगो में उनके हस्बैंड वाइफ का मैरिज एनिवर्सरी थे, जो उसमें भी वो जागरूक होके अपने सुनीता सिंह जो ब्यूटिशियन से अपना आगे बढ़ी हुई है, छोटे से काम करके बहुत ही आगे बढ़ी हैं, और बहुत अच्छा लगा, और आगे बढ़ेंगी। सबको ही अपने हर लेडीज चाहती हैं कि अपने पैर पर खड़े रहें और कुछ भी एक्स्ट्रा काम करें, बहुत खुशी हुआ। बहुत अच्छा, तो यही है आरजेएस फैमिली, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको आरजेएस फैमिली नजर आएगी, क्योंकि सकारात्मक सोच है। अपने परिवार को हम सभी को सोचना है, वो हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन राष्ट्र प्रथम करने वालों की जिम्मेदारी राष्ट्र के परिवार को लेकर, इसलिए भारत एक परिवार है और विश्व एक घर है। यही सकारात्मक सोच जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए जन जन की बात को हम लोग उठा रहे हैं। हर घर में प्रेरक प्रसंग हैं, हर घर की अपनी अपनी कहानियां हैं, हर व्यक्ति की कहानियां हैं। तो जहां भी, चूंकि आरजेएस एडमिन है, काफी सालों से जुड़े हुए हैं, तो उसे लेकर हम लोग इनको यात्रा के दरमियान इनके घर पे आए और इन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया। अब जिस तरह से इन्होंने वृक्षारोपण किया है, ये सिर्फ इनकी सोच नहीं है बल्कि इनके पिताजी की सोच थी कि शीशम के सागवान के पेड़ जो हैं उन्होंने इतने बड़े बड़े लगाए हैं। सागवान आप जानते हैं कितना मजबूत पेड़ होता है, उससे फर्नीचर बनाया जाता है, तो उस काम में भी आएगा। पेड़ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीता है जब तक उसके, और अगर वो सूख जाता है
तब भी वो काम आता है। बहुत सारे हरियाली के, अब तुलसी का पेड़, आप समझिए कितना धार्मिक होगा, यहाँ बाहर जो है पूजा होती होगी, तुलसी का पेड़ है। इसके अलावा आम का आपने देखा, आम्रपाली का है, और कई फल हैं, नींबू है, तो ये चीज़ें सब्जियों की भी, आपने बैंगन देखे, सीताफल के पेड़ देखे, सीताफल के पौधे देखे, और पानी की भी व्यवस्था है यहाँ पर, और घर घर जो है वो उसके एक तरफ जगह इन्होंने छोड़ा हुआ है, जिससे कि हवा और प्रकाश घर में प्रवेश कर सके, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह का इनका घर है। तो आरजेएस फैमिली, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग इसी तरह से जुगल जोड़ी बने रहें, माता पिता की माता जी की सेवा करते रहें, और पिताजी की स्मृति को नमन करते रहें। आरजेएस फैमिली भी ऐसे परिवार को नमन करती है। जय हिंद, जय भारत। एक फोटोग्राफ्स ले लेते हैं आगे। इस वक्त आरजेएस एडमिन संजीव सिंह जी, संगीता जी के घर पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पर आप देख रहे हैं कि संगीता जी ने काफ़ी डिशेज बनाई हैं। कुछ डिशेज के तो नाम भी नहीं हम बता सकते हैं। दही बड़ा है वो तो पता चल रहा है। ये पूड़ी है, पूड़ी का कलर देख के लगता है कुछ स्पेशल है ये। जी तो संगीता जी, ये आपने ये रखा हुआ है, ये कुछ अलग थी? ये कच्चू पत्ता जो अरवी अरवी बोलते हैं, हाँ। ये अरवी पत्ते होते हैं, इसमें आप बेसन में लहसुन सब के पेस्ट बना के और उसको लपेट के रोल बना के, बेसन में उसको रोल बनाया जाता है, और रोल बना के फिर आप उसको भाप में पानी में उबाला जाता है, और उबाल के फिर उसको पीस पीस काटा जाता है। ये जो है ये बिल्कुल लाल है, हाँ, इसमें बीट पीस के आटा में सानी हूँ। क्या चीज़? बीट चुकंदर ये आटे में मिलाकर बनाया गया है, इसको हाइजेनिक कॉर्न बना दिया गया है। ये कटहल के मंचूरियन है। ओह, कटहल का मंचूरियन, कटहल का मंचूरियन। और ये तो सलाद, और ये दाल है ना, ये भिंडी का भुजिया है, भिंडी की भुजिया है, हाँ, ये बिरयानी है, ये बिरयानी है, बिरयानी भेज बिरयानी है जी। और ये ओल ओल के अचार है, ओल ओल, और ये चावल के पापड़ है, इसको चरोरी बोलते हैं। इसमें सब घर का बना हुआ जी, है ये घर का बना हुआ है। तो चुकंदर मिलाकर ये जो है ना पूड़ी बनाई गई है, और ये दही बड़ा, काफी आइटम हो गया है। मैं क्या पहले खाऊं? जो खाना है, जो पहले सलाद चाहिए। यहाँ की भाषा बोला है तो गिरवच, नहीं गिरवच, गिरवच भी बोलते हैं। और वो पत्ता जो होता है अरबी, अरबी अरबी पत्ता, कच्चू पत्ता, अरबी पत्ता, दो तरह के कच्चू पत्ता होते हैं, एक मुंह काटने वाले, ये बरमसिया कहते हैं, ये जो बरमसिया है कच्चू पत्ता। बहुत ही अच्छा, बड़े प्यार से परोसा जा रहा है तो टेस्ट और बढ़ जाता है। आरजेएस सकारात्मक भारत उदय यात्रा जो है वो काफ़ी सफल रही है, और ये लास्ट विजिट है जो आरजेएस फैमिली जगह जगह रह रही हैं, वहाँ पर भी निमंत्रण मिल रहा है।